एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है, ये आप जानते हैं। पत्नी का उत्पीड़न करना उससे भी बड़ा अपराध है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड़की का लड़का बनकर के दो दो बीवियां रखना, इसकी सजा क्या है, इसके लिए क्या कानून है? आपका दिमाग घूम गया होगा कि एक लड़की ने कैसे लड़का बनकर के बीवी को फिजिकली सेटिस्फाई किया होगा। ये और भी हैरानी की बात है, हो गए ना कंफ्यूज आप। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं कि आपको शायद यकीन भी ना आए, फिर भी मैं आपसे कहती हूं कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो सच में आपको यकीन नहीं आएगा। अच्छा, ये कहानी शायद आपको अटपटी लगे, लेकिन ये पूरी घटना एकदम सच्ची है। और खास बात ये है कि इस कहानी की जो कृष्णा सेन है, जिसे आप स्वीटी भी कह सकते हैं, इस पे बॉलीवुड में एक फिल्म भी बन रही है। इस अजीब कहानी की शुरुआत होती है वैलेंटाइन डे से, यानी कि 14 फरवरी 2018। इस तारीख को लोग प्यार के लिए याद करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन उसी दिन ठीक 4 साल पहले शुरू हुई एक प्यार की कहानी का इतना दुखद अंत हो गया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। फेसबुक पे जिस लड़के के स्टाइल को देख करके एक साइकोलॉजी और इंग्लिश एमए की स्टूडेंट फिदा हो गई थी, जिसकी जो शीली बातों की वो कायल हो गई थी, जिसकी हैसियत की वो कहना चाहिए कि दीवानी हो गई थी, उस लड़की के सामने अपने पति का ऐसा सच जब आया तो वो एकदम से समझ नहीं पाई कि क्या सुन रही है। और 4 साल तक एक कमरे में वो पति पत्नी की तरह रह रहे थे, लेकिन वो सब क्या था? असल में 14 फरवरी 2018 को उत्तराखंड की हल्द्वानी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और उस शख्स का नाम था कृष्णा सेन। उस समय उसकी उम्र रही होगी ऐसी कोई 39 साल। और इसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेना, इन दो धाराओं में पहली पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया। अब पहले तो पुलिस ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ऐसे मामले अक्सर फर्जी भी होते हैं। लेकिन फिर पुलिस ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और जब इस केस में पुलिस ने पूछताछ की तो पहले तो कृष्णा बड़े गोलमोल से जवाब देता रहा, लेकिन बाद में जब थोड़ी सी सख्ती हुई तो उसने बोला, आप ठहरिए, मैं बताता हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। और ये सुनते ही पुलिस तो सन्न रह गई, उसे भरोसा ही नहीं होता। लेकिन अपना विश्वास के लिए दोबारा फिर से उसे पूछा गया कि क्या कहा तुमने? कृष्णा ने फिर कहा कि मैं लड़की हूँ और आपको अगर यकीन ना आ रहा हो तो आप किसी महिला डॉक्टर को बुला करके चेक करा सकते हैं। अब ये सुनते ही जो पुलिस वाले बिल्कुल उससे सट करके उससे बातचीत कर रहे थे वो थोड़ी दूर हो जाते हैं। तुरंत महिला डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसकी मेडिकल जांच कराई जाती है और डॉक्टर जो अपनी रिपोर्ट देता है उसमें कहा यही गया कि ये लड़का नहीं है बल्कि लड़की है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये सुनते ही पुलिस उसकी पत्नी को बुलाती है, ये सवाल करती है कि जिसे वो अपना पति बता रही है वो तो खुद एक लड़की है, फिर दहेज प्रताड़ना, दूसरी शादी करना, ये सब आखिर क्यों क्यों उनका समय खराब कर रही है? अब ये जानकारी मिलते ही पत्नी भी बड़ी परेशान होती है, बल्कि उसके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और वो कहती है कि पिछले जो 4 साल उसके साथ गुजारे थे, कई बार उसे शक तो हुआ लेकिन ये पता नहीं था कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इस तरह से पहले तो कृष्ण सेन की बातों पर पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब 4 सालों तक उसकी पत्नी रह चुकी उस लड़की की बातें जब सुनी तो ऑब्वियसली पुलिस को भी ये भरोसा हो गया। डॉक्टर ने तो बता ही दिया था कि उसका पति एक मर्द नहीं है बल्कि एक लड़की है। आखिर पुलिस ने फिर कृष्णा की दूसरी पत्नी को भी बुलवा लिया और उससे जो पूछताछ हुई
उसने कहा कि उसे तो कुछ दिन के बाद ही पता चल गया था कि ये लड़का है लड़की नहीं, ये लड़की है लड़का नहीं। लेकिन वो धमकी दे रहा था और भी कई सारे प्रेशर डाल रहा था, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। अब जब चुकी पूरी कहानी पुलिस को समझ आ गई, तब उस पर FIR की धाराओं में बदलाव करना पड़ा। पुलिस ने इस केस में दहेज उत्पीड़न जैसी धाराओं को बदल करके धोखाधड़ी की धाराओं को जोड़ा और तसल्ली से इस लड़की के लड़का बनने और दो दो शादियां करने की पूरी कहानी को समझा। आप भी दोस्तों समझिएगा, मैं आपको बताती हूं कि ये कहानी जो है निकल के किस तरीके से आती है। जिसे कृष्ण सेन कहा जा रहा था, असल में उसका नाम स्वीटी सेन था। बचपन में जो उसके करीबी थे वो उसको डॉली कहते थे। हमेशा वो लड़कों जैसे गेटअप में रहती थी, बिल्कुल टॉम बॉय की तरह। परिवार के लोग तो इसे लड़की की तरह जानते थे, लेकिन बाहर उसका जो अपना सर्कल था उसमें सब उसको लड़का मानते थे। 12वीं तक की पढ़ाई करी थी स्वीटी ने। अब पढ़ाई के दौरान ही उसने चालाकियां और धोखा देने की जो कहते हैं ना टिप्स, वो सीख लिए थे। किसी से उधार लेना तो उसको लौटाना नहीं, और ये सब जो बुरी आदतें थी उसकी फितरत में शामिल हो गई थी। घर में काफी विरोध हुआ, लेकिन स्वीटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका पूरा परिवार यूपी के बिजनौर के धामपुर का रहने वाला था। उम्र के साथ ये मानिए कि उसका ये जो शातिराना अंदाज था ये लगातार बढ़ता चला गया, और लड़कों की तरह रहना, लड़कों से दोस्ती करना, छासे देना और पैसे ऐंठना, उसके बाद फिर ऐशो आराम की जिंदगी जीना, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना और लोगों के पैसे बिजनेस में लगाने का ऑफर दे करके उनसे पैसे ऐंठ लेने, तमाम सारे फर्जीवाड़े वो सब कर रही थी। लेकिन अब उसने एक बड़ा हाथ मारने का सोचा। उसने सोचा कि क्यों ना लड़का रह करके एक लड़की से शादी करके पैसे कमाए जाएं, और इस साजिश को पूरा करने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अब इसकी शुरुआत होती है 2012 से। स्वीटी सेन ने कृष्ण सेन के नाम से अपना एक प्रोफाइल बनाया, उस पर कई लड़कों के ग्रुप वाली फोटोज डाली जिसमें काफी स्मार्ट लग रहा है वो, और खुद को यूपी के अलीगढ़ के किसी इलाके में CFL की फैक्ट्री का उसने अपना अपने आप को फैक्ट्री का कारोबारी बताया। देखिए, एक मजेदार बात यह है कि जो उसने अपना प्रोफाइल फोटो लगाया था वो टाइटैनिक फिल्म जो है उसके एक्टर लियोनार्डो की फोटो उसने लगाई, और लियोनार्डो वही फेमस हीरो हैं जो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कर चुके हैं। अब अपनी इसी प्रोफाइल फोटो से उन्होंने एक लड़की को रिक्वेस्ट भेजी। लड़की ने कृष्ण सेन का प्रोफाइल देखा, स्टेटस देखा और उसकी फ्रेंड लिस्ट में जुड़ गई। अब दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। स्वीटी से कृष्णा बनकर उसने उस लड़की को पूरी तरह से अपनी बातों से इम्प्रेस कर लिया। इसके बाद उनकी मुलाकातें होनी शुरू हो गई, और मुलाकातों के बाद उन्होंने मिलने का भी अपना एक प्रोग्राम बनाया। वो मिलते हैं और देखती है कि इसके पास अच्छी गाड़ी है। नैनीताल में वो मिलते हैं, और पहली मुलाकात में वो देखती है कि कृष्णा बड़ी सफारी लेकर के आया है। काफ़ी इम्प्रेस होती है, नॉर्मली लड़कियों की ऐसी ही फरमाइशें होती हैं। और उसके बाद मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत जो है शादी तक पहुंचती है। अब दोनों के परिवार आपस में मिलते हैं। लड़की के पिता चूंकि थे नहीं, घर में उसका एक माँ और छोटा भाई था, और ये जो लड़की जिससे उसकी दोस्ती हुई थी उसकी उंगलियों में बचपन से ही कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो काफ़ी दिक्कत में रहती थी। ऐसे में उसका परिवार भी शादी को लेके काफ़ी परेशान था। अब कृष्णा एक महिला को अपनी माँ बना करके और एक शख्स को अपना भाई बना करके लड़की के घर रिश्ता लेने के लिए भेजता है। कृष्णा की माँ कहती है, जो फर्जी उसकी माँ बन के आती है, कि बेटे का बहुत अच्छा कारोबार है, बढ़िया कमाई है, इसलिए लड़की के परिवार से हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हम सादगी से शादी करेंगे। और ये भी बताया कि कृष्णा अभी पिता के साथ ही अलीगढ़ में CFL का जो पूरा बिजनेस है उसे संभाल रहा है, और हरिद्वार में उसका एक फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है। ये सुनकर के लड़की और उसकी माँ ने तुरंत हामी भर दी।
लड़की के पिता की मौत को भी कृष्णा ने इमोशनली काफी फायदा उठाया। कृष्णा ने कहा कि उसके होने वाले जब ससुर नहीं है तो ऐसे में ससुराल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी वो खुद उठाएगा। अब जाहिर सी बात है, ऐसी बातों से भला कौन सा परिवार खुश नहीं होगा। और शादी की तारीख तय कर दी गई। बाकायदा 2013 में कृष्णा और उस लड़की की सगाई होती है। सगाई के दौरान कृष्णा हरिद्वार में सेवल यूनिट लगाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट प्लान लेके आया हुआ था, जिसे देख करके लड़की के परिवार वाले बड़े खुश होते हैं। और कृष्णा एकदम स्मार्ट लड़कों वाले गेटअप में, एकदम बन ठन के, महंगे मोबाइल, महंगी गाड़ी और चाल ढाल एकदम स्मार्ट लड़कों की तरह, किसी को शक नहीं हुआ सगाई में। और इसके बाद 14 फरवरी 2014 को उनकी शादी होती है। ये शादी हल्द्वानी के एक गेस्ट हाउस में होती है। बहुत लिमिटेड से लोग आते हैं शादी में, लेकिन कृष्णा की वो मार नहीं आती फर्जी जिसे उसने रिश्ते के लिए भेजा था। करीबी दोस्त आते हैं सब। शादी के बाद हल्द्वानी के पास ही एक 3 बेडरूम सेट किराए पे ले लिया जाता है और वहीं वो एज ए पति पत्नी रहने लगते हैं। अब शुरुआत होती है असली कहानी की, कि आखिर शादी के बाद भी लड़की से लड़का बने कृष्णा की पोल क्यों नहीं खुली। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इस बारे में कृष्णा की पत्नी, जो उसकी पत्नी थी, उसने पूरी बात बताई कि सुहागरात से लेकर के मतलब जो उसकी कहानी थी एक तरह से सुहागरात से लेकर के और उसकी गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी वो बताती है। सुहागरात के बारे में भी वो बात करती है कि सुहागरात वाले दिन कृष्णा ने आकर के अपने कपड़े निकाले अलमारी में से और वो बाथरूम में चेंज करने चला गया। तभी नई नवेली दुल्हन को बड़ा अजीब लगता है कि कपड़े चेंज करने के लिए वो बाथरूम में क्यों चला गया है। कपड़े तो अक्सर मर्द लोग सबके सामने चेंज कर लेते हैं, जैसा कि आम भारतीय परिवारों में होता है। तब उसने कह दिया कि मुझे सबके सामने कपड़े बदलने में शर्म आती है। ये सुनकर उसने बात आई गई कर दी कि हाँ, कई लोगों को लगता है मतलब सबके सामने कपड़े नहीं बदलने चाहिए। इसके बाद रात में उसने लाइट बंद की और एक दूसरे को दोनों ने गले लगाया। और थोड़ी ही देर के बाद उसने कहा कि मुझे थकान हो रही है, मुझे नींद आ रही है, ये कह करके वो सो गया। अगले दिन सुबह होते ही उसने शेविंग वगैरह की, जैसे कि मर्द लोग करते हैं। उसके बाद वो बिजनेस के सिलसिले में कह करके घर से 15 दिन के लिए बाहर चला गया। अब जब भी वो घर आता तो अब वो जब लोग बिस्तर में होते तो कहता कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। वैसे वो उसको किसिंग करता, उसको हक करता, उसको गले लगाता, लेकिन कपड़े वो बंद करके चेंज करता। और पति पत्नी जैसे उनके रिलेशन अभी तक बन नहीं पाए थे। पहली पत्नी ने ये भी बताया कि कृष्णा को एक दो बार उसने इसके लिए टोका भी कि उसका सीना कुछ कुछ लड़कियों की तरह लगता है, क्या बात है। इस पे कृष्णा ने उसे कहा कि उसके हार्मोन्स थोड़े गड़बड़ हैं। मैं आपको बताऊं कि मेडिकल की भाषा में इसे गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। इसमें कुछ मर्दों के सीने का उभार जो है लड़कियों की तरह दिखने लगता है। और कृष्णा ने इसके इलाज की बात भी कही थी। इसके लिए इसके बाद फिर कोई बात ही नहीं होती इस मुद्दे पे। पहली पत्नी ने ये भी कहा कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि दोनों पति पत्नी जैसे संबंध बनाने के बहुत बहुत निकट जाते हैं, लेकिन कृष्णा उस मोमेंट को टाल जाता है। अब कृष्णा को भी अंदर से पता था कि इसको शक ना हो जाए, तो उसने एक स्कीम बनाई। वो कमरे की लाइट बंद कर देता और जब कमरे में अंधेरा हो जाता तो वो बहाना बनाता कि पत्नी ऐसे एक्टिंग करेगी जैसे उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ताकि वो अपने पति को छू ना सके। और उस समय वो एक सेक्स टॉय का इस्तेमाल करके रिलेशन बना लेता था। ऐसा इतने सालों में बहुत लिमिटेड टाइम पे हुआ। हाँ, पति पत्नी जैसे रिलेशन दोनों में क्यों नहीं बन सके, इस बारे में पहली पत्नी ने कहा कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसने अपना एक ऑरा ऐसा बना लिया था, बिल्कुल चिड़चिड़ा और गुस्से वाले मर्द की तरह आना, और गुस्से में ये नहीं वो नहीं करके इस तरीके का व्यवहार करता था। और इसी वजह से वो पति पत्नी की तरह रहते रहे कि पति बहुत गुस्से वाला है। पहली पत्नी ने ये भी कहा कि एक बार वो वैष्णो देवी गए थे
उस दौरान भी सभी मर्द लोग खुले में फ्रेश होने के लिए चले गए थे, लेकिन कृष्णा वहाँ भी जो है उसने वॉशरूम को ही यूज़ किया। असल में उसका मकसद कुछ साल तक लाखों रुपए ऐंठने का था, इसलिए शादी के 2 साल यानी कि 2016 में रिश्तों में सुधार लाने और बिजनेस को बढ़ाने के नाम पर पहली पत्नी की माँ से वो करीब 8 लाख रुपए ले चुका था। अब इन पैसों से जितनी वो मस्ती कर सकता था, जितना ऐशो आराम वो कर सकता था, उसने कर लिया। अब पूरा पैसा उसने खर्च कर दिया। अब उनके पास पैसे नहीं रहे थे, तो अब उसने दूसरी लड़की के ऊपर अब उसने दूसरी लड़की के ऊपर नजर अड़ाई, यानी कि वो किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। अब इस बार उसकी नजर में एक 22 साल की लड़की आती है, और उस लड़की का भाई खुद भी कृष्णा का दोस्त था, उसे भी नहीं पता चला कि वो लड़की है, और उसकी बहन उसके झांसे में आकर के शादी रचा रही है। इस बारे में जब पुलिस को जानकारी हुई तो उससे भी बातचीत होती है, वो भी काफ़ी सारी बातें बताती है, लेकिन उसने एक लाइन में ये कहा कि उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि ये लड़की नहीं है, ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। और उसके बाद फिर स्थिति ऐसी बनी कि पहली पत्नी ने 6 अक्टूबर 2017 को काठगोदाम पुलिस थाने में पति के खिलाफ शिकायत कर दी, जिसमें आरोप लगाया था कि उसका पति कृष्णा सेन उससे मारपीट करता है, दहेज की मांग करता है, और उसने बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी भी कर ली है। पुलिस को यह भी बताया गया कि उसका पति कहता है कि अगर दूसरी शादी के बाद बारे में उसने अपने माँ और भाई को बताया तो वो उसको उसका काम खत्म कर देगा। और इस जानकारी के बाद पुलिस पहले तो उसको सीरियसली नहीं लेती है, लेकिन कुछ समय के बाद ही जब इसमें जांच होती है तो पता चलता है कि इसने केवल ये काम ही नहीं किए हैं, कई और भी बड़े बड़े कांड किए हुए हैं। उसने कई लोगों से पैसे ऐंठे हुए हैं और लोगों को बाउंस चेक फर्जी दिए हैं जो बाउंस हो गए हैं। इस तरीके के फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने उसे 14 फरवरी 2018 को अरेस्ट किया, और वहीं खुद को उसने लड़की बताया, और पहली बार उसी दिन उसकी पहली पत्नी को जानकारी हुई। हालांकि दूसरी पत्नी ने जैसा कि बताया, उसे कुछ ही महीनों के बाद ये पता चल गया था कि वो लड़की है, लड़का नहीं है। लेकिन चूंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, उसके प्यार में फंस के शादी की थी, खुल के किसी से कह नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। लेकिन फिर अब जब सबके सामने उसकी असलियत आ गई तो उसने स्वीटी के साथ जाने से रहने के लिए मना कर दिया। बाकायदा उसने उसे जेल भिजवाने के लिए गवाही देने को भी अपना माइंडसेट तैयार कर लिया था। अच्छा, पुलिस ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो उसके पास कई सारे अलग अलग आधार कार्ड मिले, उन सब की डेट भी फर्जी थी, किसी में 1990 तो किसी में 1993, और उनकी लोकेशन भी अलग अलग, उसमें उनके जेंडर भी अलग अलग। पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि उसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई लोगों को उसने ठगा हुआ था। अब दोस्तों आप बताइए कि आप स्वीटी के बारे में क्या कहते हैं? साथ ही ये भी कि महिला अबला नहीं, कुछ ज्यादा ही स्मार्टली धोखा भी दे सकती है, वो भी ऐसा कि आपको यकीन भी नहीं आएगा कि कोई महिला टॉम बॉय बनके इतना बड़ा गेम भी खेल सकती है। गलत तो गलत है, चाहे वो महिला करे या पुरुष करे, आखिर उसको सजा तो मिलनी ही थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ, किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।